तो इंटीग्रेशन दिया है हमें डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो सबसे पहले देखते हैं कि रूट में, इसके बाद जैसे इजी फॉर्म में, तो उसे हम कुछ एक्स इक्वल टू कुछ रख कर रिप्लेस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी होगी। तो देखते हैं, तो पुट एक्स इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, जिससे कि हमें मिलेगा, जब ये रखेंगे डी एक्स इक्वल टू होगा टू बीटा माइनस अल्फा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। जब एक्स स्क्वायर टू रखेंगे ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें डी एक्स स्क्वायर टू टू माइनस बीटा माइनस अल्फा साइन टू थीटा कॉस थीटा मिलेगा। और इसके बाद जो मिलेगा वो होगा एक्स माइनस अल्फा, जो क्वान्टिटी होगी बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर टू मिलेगा बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, ये दोनों क्वांटिटी हमें मिल जाएंगी। तो इसी प्रकार हम इंटीग्रेशंस को अब लिख सकते हैं इजी करके, मतलब दूसरे फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं, मेकिंग दीज सब्स्टिट्यूशंस द गिवेन इंटीग्रल कैन बी रिटेन एज आई स्क्वल टू, हम लिखेंगे इंटीग्रेशंस टू बीटा माइनस अल्फा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हम डी एक्स की जगह क्या लिखे, टू बीटा माइनस अल्फा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा की जगह कंबाइन में लिखे बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर थीटा और बीटा माइनस अल्फा, इसे लिख दिए। तो अब हमें मिलेगा इंटीग्रेशंस टू बीटा माइनस अल्फा साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, और फिर यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा उसका, बीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा के फॉर्म में मिला। अब इसे हम ऊपर नीचे देखें तो बीटा माइनस अल्फा साइन थीटा कॉस थीटा बीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा साइन थीटा नीचे ऊपर कट जाएगा, मतलब दो सेम क्वांटिटी हैं रेड और ग्रीन। तो अब मिलेगा टू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन कुछ नहीं तो कांस्टेंट हमें थीटा मिल जाएगा प्लस सी। अब हम देखते हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि एक्स के टर्म में है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम एक्स के टर्म में निकालेंगे, और हमें थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो देखते हैं हम क्या लिखते हैं, तो हम कॉस इनवर्स के फॉर्म में मिले कॉस टू थीटा प्लस सी, क्योंकि थीटा की वैल्यू टू थीटा की वैल्यू, क्योंकि कॉस टू थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगी कॉस टू ऑफ थीटा प्लस सी, इक्वेशंस वन मान लेते हैं। लेकिन हम जानते हैं एक्स इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब हम अगर इतना मानते हैं एक्स इक्वल टू, तो उसके बाद हम देखते हैं आगे निचली प्रोसेस में, हम लिख सकते हैं टू एक्स इक्वल टू ए वन प्लस कॉस टू थीटा प्लस बीटा वन माइनस कॉस टू थीटा, जो कि बीटा माइनस अल्फा कॉस टू थीटा बराबर होगा वन प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस टू एक्स। और हम इसे लिख सकते हैं कॉस टू थीटा बराबर मिले अल्फा प्लस बीटा माइनस टू अल्फा टू एक्स अपॉन बीटा अपॉन अल्फा, और इसे हम पुट करेंगे कि इसमें इक्वेशन नंबर वन में कॉस टू ऑफ थीटा की वैल्यू, क्योंकि हम समीकरण एक से अब हम देखते हैं तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब कॉस टू थीटा की वैल्यू रखेंगे जो हमें मिली कॉस अल्फा प्लस बी माइनस टू एक्स अपॉन बीटा माइनस अल्फा और प्लस सी। तो बेसिकली हम किए क्या, यहाँ आई वाले वैल्यू में जो हमें वैल्यू कॉस थीटा के टर्म में मिली थी वहाँ पे इनवर्स अल्फा बीटा और एक्स के टर्म में वैल्यू को हम फाइनल इंटीग्रेशंस में लिखे, तो वो फाइनल इंटीग्रेशंस हमारा क्या हुआ आई इक्वल टू कॉस इनवर्स अल्फा प्लस बीटा।